भाग्यशाली औरतों के लक्षण। नंबर एक, जिन कन्याओं की जगह पोस्ट मार्शल होती है वे वैभवशाली होती है। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। नंबर दो, जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो वह स्त्री बहुत ही भाग्यशाली होती है। और नंबर तीन, जिन औरतों की नाभि बड़ी और गहरी होती है वह स्त्री शुभ मानी जाती है। जिस स्त्री की नाभि बड़ी और गहरी दाई और मुड़ी होती है ऐसी औरत धन सुख और संतान से संपन्न होती है और सुख समृद्धि उनके पैर छूमती है। और नंबर चार, जिस स्त्री का शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है वह स्त्री सौभाग्यशाली होती है। ये पति के लिए बहुत ही लकी होती है। नंबर पाँच, जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है वे भी अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है। नंबर छः, यदि आप कन्या को देखने के लिए जाते हैं तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठा यानी छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करता हो और ऐसी स्त्री बहुत शुभ मानी जाती है। नंबर सात, जिस स्त्री के दांत लंबे होते हैं ऐसे लंबे दांत वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर आठ, जिन लड़कियों को पैरों में शंख कमल या चक्र का चिन्ह होता है वे बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी लड़कियाँ जीवन में काफ़ी भाग्यशाली मानी जाती है और बहुत ही ज़्यादा तरक्की करती है। नंबर नौ, जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं उसे भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी महिलाओं को अपने भाग्य से सब सुख और आनंद मिलता ही रहता है। नंबर टेन, जिन युवतियों की नेत्र यानी आँख कमल की 10 पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफ़ेद हो ये कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती है। नंबर 11, जिन लड़कियों की ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है वह स्त्री सौभाग्यवती होती है। इनके सुहाग की लंबी उम्र होती है। और नंबर 12 पर है, यदि कन्या के बाल भौरे की तरह काले मेघमय हो और कुंड के समान मुड़े हो तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 13, जिन स्त्री के कान लंबे ऊपर से चौड़े और नीचे से नुकीले होते हैं ऐसी महिलाएं काफ़ी भाग्यशाली होती है। इनकी उम्र काफ़ी लंबी होती है। और नंबर 14, जिस स्त्री की गर्दन लंबी होती है उसे मंगलकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं कन्याओं की गर्दन लंबी होती है वह ऐश्वर्यशालिनी होती है। इनके रहते पति को कभी भी धन की पैसों की कमी नहीं आती। और नंबर 15, जिस महिलाओं के पैरों की एड़ियाँ गोलाकार और कोमल होती है वैसी स्त्री सारी उम्र सुख सुविधाएँ भोगती है। इनके इस गुण के कारण परिवार को भी बहुत लाभ होता है। और नंबर 16, जिन औरतों के पैर का अंगूठा उठा हुआ गोल और लालिमालीय होता है वो परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होती है। नंबर 17, जिन स्त्रियों की एड़िया सर्पाकार और पैर में त्रिकोण का चिन्ह लिए होता है ऐसी स्त्रियां भी बहुत किस्मत वाली होती है। त्रिकोण का चिन्ह चतुराई का सूचक होता है। और नंबर 18, जिन औरतों की आँख बड़ी होती है वह काफ़ी दयालु प्रवृत्ति की होती है और उनके अंदर दान और परोपकार की भावना कूट कूट कर हमेशा भरी रहती है। वह हमेशा अपने साथ साथ अपने परिवार को भी अच्छे से ध्यान रखती है। जिस घर में उनकी शादी होती है वह वहाँ धन की कोई समस्या नहीं होती। नंबर 20, जिन महिलाओं के लंबे पैर होते हैं इनका विवाह जिस भी घर में होता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं रहती। वह माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। नंबर 21, जिस महिलाओं के माथे के बीचों बीच तिल होता है उनका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। नंबर 22, जब महिला चलती है अगर उसके कदमों से लगातार धूल उड़ती है तो ऐसी महिलाएँ अपने परिवार के लिए
शर्मिंदगी का कारण बनती है। नंबर 23, जिन लड़कियों की जीभ लाल और कोमल होती है ऐसी लड़कियों को जीवन में हर सुख की प्राप्ति होती है। इनके भाग्य इन तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि इस वजह से उनके परिवार वाले भी हर सुख का भरपूर आनंद उठाते हैं। नंबर 24, जिन लड़कियों का माथा बहुत चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 उंगुल से अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के सुख समृद्धि सुख में वृद्धि होती है। वे जिस घर में जाते हैं उस घर में कभी भी पैसे और खाने की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा।